हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, जो आपके ज्योग्राफी बुक के लेसन टू पार्ट का रिमाइनिंग पार्ट्स है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ते हैं द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास ओनली लोकेट द थाल भोर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये पश्चिम की ओर और पूरब की ओर जो दक्षिण प्लेटू के ओर है। तो वेस्टर्न घाट्स यह पश्चिम तटीय इलाके से होकर गुजरती है। यह देखा जा सकता है इसको मैप पर भी, जो थाल भोर एंड पाल घाट्स इसको हम लोग भारत के नक्शे पर देख भी सकते हैं। तो द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ऑरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज एलोंग द वेस्टर्न स्लोप टू द घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो है वे ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई है। इसकी एवरेज ये 900 से 1600 मीटर तक है, जो 600 मीटर वेस्टर्न घाट्स पे है। तो इससे इसके आधार पर हम देखते हैं कि ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ये वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो ये ईस्टर्न घाट्स ये महानदी से नीलगिरी तक जाती है, जो साउथ में है। द ईस्टर्न घाट्स जो है ये रुक रुक करके कंटिन्यूस नहीं होती है और नियमित नहीं होती है। ये कहीं कहीं डिस्क्रेप हो जाती है नदियों के द्वारा उसके जे और ये बंगाल के खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो वेस्टर्न घाट्स वही देखते हैं कि ये ऑरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेरिंग मॉइस्ट, और वेस्टर्न घाट को देखते हैं इसमें वर्षा और नदियों के पानी मॉइस्चर इसका यह बना रहता है और यह ढालू की ओर ज़्यादा होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट्स को हम लोग अनेक नामों से स्थानीय नामों से जानते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और उसकी हर जगह ऊंचाई निचाई अलग अलग है। द हाइट स्पीक इंक्लूड द अनाई मुडी 2695 मीटर। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई अनाई मडू में देखते हैं, जहाँ पर 2695 मीटर है, और वह डोडा बेटा में देखते हैं 2637 मीटर। महेंद्रगिरी में देखते हैं इसकी ऊंचाई 1501 मीटर, इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है इन द ईस्टर्न घाट की। सो सेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेट टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। और वहीं देखते हैं जावेदरी ही सिवरी हिल है और जावेद हिल को देखते हैं साउथ से ईस्टर्न की ओर जाती है दिखा जा सकता है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदयमंडलम पॉपुलरली नॉन एज ऊटी एंड द कोडाई कैनल। इसकी यहाँ की फेमस हिल स्टेशन को हम लोग उदयमंडलम और जिसको हम लोग ऊटी के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नॉन एज डेक्कन ट्रॉपी।
और इनमें से पेनिनसुलर प्लेटों को देख एक विशेषता यह होती है कि वहाँ की दक्षिण के पठार जो है वे काली मिट्टी के बना हुआ है, जिसे हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वोल्केनिक ऑर्गेनिक, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिनर्ड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यहाँ की सॉइल जो है ये ज्वालामुखी के कारण बने हैं, अग्नेय चट्टानों के कारण बने हैं, इसलिए यहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ की चट्टानों को निर्माण हुआ है।